कोतवाली थाना क्षेत्र में जेपी हॉस्पिटल के निकट पीपीगंज के व्यक्ति से लगभग 2,70,000 की लूट की सूचना फर्जी निकली, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि पीपीगंज का एक व्यक्ति गोरखपुर आया था, जिसने पुलिस को सूचना दिया कि उसके साथ गोरखनाथ फ्लाईओवर के नीचे लूट हुआ है। पुलिस ने सीसीटीवी से छानबीन की तो पता चला कि उसके साथ कोई लूट हुई ही नहीं है, उसका पैसा कहीं गिर गया है, तो उसने लूट की फर्जी सूचना पुलिस को दे दी। एसपी सिटी ने बताया कि व्यक्ति के पैसा गिरने के स्थान की भी जांच की जा रही है, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से दूरभाष पर बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, एक व्यक्ति है जो आज वहां से निकला था पीपीगंज से, उसने बताया कि उसके साथ में गोरखनाथ फ्लाईओवर के पास में लूट हुई थी। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगालने से पता चला कि उस व्यक्ति के साथ किसी प्रकार कोई लूट नहीं हुई, कोई धक्का किसी ने नहीं दिया, और उस व्यक्ति के द्वारा बाद में फुटेज दिखाने के बाद में उसने ये बताया कि मैंने पुलिस को फर्जी लूट की सूचना दी थी, वास्तव में मेरे पैसे कहीं गिर गए थे। अब पुलिस ये पूछताछ छानबीन में लगी है कि उसके पैसे वास्तव में कहाँ गिरे थे और लूट के द्वारा दी गई सूचना है वो फर्जी सूचना है। सर, इसमें क्या उसके खिलाफ कोई कोर्ट से भी एक्शन भी ले रहे हैं जिसने फर्जी सूचना दिया था? पहले ये पता करा ले रहे हैं कि उसके पैसे कहाँ गिरे थे, कोर्ट से एक्शन वगैरह के बारे में विधिक कार्रवाई आगे सुनिश्चित की जाएगी।